हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आप ही लोगों के द्वारा कमेंट में क्वेश्चन पूछे गए थे कि हमें जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यानी कि जो ई इनवॉइस हमें जनरेट करना है, उस ई इनवॉइस के अंदर कौन सी अमाउंट हमें लिखनी पड़ेगी। यानी कि एक इनवॉइस हमारे पास ऐसा है, उस इनवॉइस के अंदर हमने हमारे कस्टमर को, रजिस्टर्ड पर्सन को, टैक्सेबल भी प्रोडक्ट है और उसके अंदर टैक्स फ्री के भी प्रोडक्ट है। तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर हमें केवल टैक्सेबल प्रोडक्ट की वैल्यू वहां पर लिखनी है या फिर नेट वैल्यू हमें लिखनी है? और एक ऐसा इनवॉइस भी है जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन उसके अंदर हमने टैक्स फ्री का सामान उसके अंदर हमको सेल किया है, तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर भी हमें ई इनवॉइस है जो बनाना पड़ेगा? तो कुछ इस टाइप के डाउट अकाउंटेंट लोगों के थे, फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के, जिन्होंने अभी जस्ट है जो शुरुआत करी है या फिर उनकी 1 अगस्त 2023 से उस कंपनी की ई इनवॉइस की लायबिलिटी बनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप लोगों के अगर इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन माइंड में है भी ई इनवॉइस हमें किस कंडीशन के अंदर बनाना होता है, तो आपका कंफ्यूजन भी इस वीडियो से दूर होने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए हमारे पास ये दो इनवॉइस है, एक हमारे पास ये टैक्स इनवॉइस है और दूसरा हमारे पास ये बिल ऑफ सप्लाई है। दोनों के अंदर हमारे पास इनवॉइस नंबर सेम है, डेट सेम है, लेकिन हमारे पास है जो हमारे कस्टमर है वो भी बिल्कुल सेम है, एसएस कंपनी और यहाँ पर इसका एड्रेस और इनके पास में जीएसटी नंबर भी है। और ये जो हमारा बिल ऑफ सप्लाई है इसके अंदर भी हमने इनवॉइस नंबर सेम रखा है, कस्टमर का नाम भी सेम रखा है, एड्रेस भी है और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर भी है। तो अब बात आएगी भी इस दोनों कंडीशन के अंदर हमें ई इनवॉइस है जो कौन से इनवॉइस का तैयार करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टैक्स इनवॉइस की। तो यानी कि टैक्स इनवॉइस है और इस इनवॉइस के अंदर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एग्जेम्प्ट है यानी कि टैक्स फ्री है, और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 12% का जीएसटी लगता है। तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर हमें जो ई इनवॉइस बनाना है उसके अंदर कौन सी अमाउंट हमें लिखनी है? तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, जो ई इनवॉइस है वो केवल रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि जिसके पास में जीएसटी नंबर है उन्हीं का ही हमें जनरेट करना है, और दूसरा हमें करना है केवल टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर टैक्स लगता हो। लेकिन अब इस इनवॉइस के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो टैक्स फ्री भी है और इसके अंदर टैक्सेबल भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, आपका जो इनवॉइस है चाहे उसके अंदर 1 रुपए का भी टैक्सेबल प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ई इनवॉइस बनाना है जो मैंडेटरी है यानी कि कंपलसरी है, तो चाहे उसके अंदर टैक्स फ्री का भी प्रोडक्ट क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब भी आप पोर्टल के ऊपर ई इनवॉइस है जो तैयार करोगे तो उसके अंदर आप देखोगे भी जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 19,839.29 रुपए की, जिसके अंदर ये हमारी 11,000 रुपए की टैक्स फ्री की जो वैल्यू है वो भी इंक्लूड है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इस टैक्सेबल वैल्यू को ऑटोमेटिक यहां से पिक करेगा और जो जीएसटी की जो अमाउंट है वो केवल आपसे वही कलेक्ट करेगा जिस अमाउंट के ऊपर यहाँ पर जीएसटी लगा हुआ है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये टैक्सेबल में वैल्यू के अंदर चल जाएगी और ये आपका टैक्स के अंदर अमाउंट है जो आ जाएगी सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर अगर आपका आईजीएसटी है तो आईजीएसटी के कॉलम में चली जाएगी। तो यानी कि ऐसी स्थिति के अंदर टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना है और अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को ये इनवॉइस है जो इशू किया है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ई इनवॉइस बनाना जरूरी हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं, ये हमारा बिल ऑफ सप्लाई, लेकिन इस इनवॉइस के अंदर हमने कोई भी टैक्सेबल प्रोडक्ट है जो नहीं सेल किया है, केवल और केवल सिंगल है और वो भी टैक्स फ्री का प्रोडक्ट है, लेकिन है ये रजिस्टर्ड पार्टी, इस पार्टी के पास में भी जीएसटी नंबर है, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर हमें ई इनवॉइस बनाना जरूरी नहीं है, ये आपके लिए कोई लायबिलिटी यहाँ पर अब ई इनवॉइस बनाने की नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि जो ई इनवॉइस बनाना इसलिए जरूरी होता है अगर आपने उस इनवॉइस के अंदर कोई भी टैक्सेबल प्रोडक्ट सेल किया हो, चाहे वो 5% का हो, 12 का हो, 18 का हो, चाहे वो 28% का हो, वैल्यू चाहे उसके अंदर 1 रुपए की हो, चाहे उसके अंदर 5 लाख रुपए की हो, तो आपको ई इनवॉइस बनाना जरूरी हो जाएगा। लेकिन जितना इनवॉइस है वो 100% ही टैक्स फ्री के प्रोडक्ट है उसके अंदर, चाहे वो रजिस्टर्ड पार्टी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना। और दूसरा, अगर आपका जो कस्टमर है वो अनरजिस्टर्ड है यानी कि उसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है,
तो ऐसी स्थिति के अंदर चाहे आप उसको टैक्सेबल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो चाहे उसको टैक्स फ्री सेल कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ई इनवॉइस बनाना ही नहीं है। ई इनवॉइस केवल आपको बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस की कंडीशन के अंदर ही तैयार करना है, बी टू सी की कंडीशन के अंदर आपको ई इनवॉइस है जो नहीं बनाना है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर होंगे होंगे कि हमें किस कंडीशन के अंदर तो टैक्स इनवॉइस तैयार करना है और किस कंडीशन के अंदर हमें बिल ऑफ सप्लाई है जो बनाना होता है। बिल ऑफ सप्लाई यानी कि अगर आपने 100% टैक्स फ्री जीएसटी फ्री के जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा बिल ऑफ सप्लाई जनरेट होता है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट टैक्सेबल अगर आप सेल कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम टैक्स इनवॉइस है जो इश्यू करते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना।